ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो परमात्मा ने जिसका गीता में भी कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना, क्योंकि परेशान मन है, तो उस मन को उस परमात्मा में लगा दो और हाथों से कर्म करते रहो। वो कुछ भी छुड़वाने नहीं आया है, केवल जो हमारे अंदर ये 5 खोटे सिक्के हैं बस वही लेने आया। इसलिए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की फीस भी कौन सी है, यही 5 खोटे सिक्के और एक आना। शिव बाबा कहते बच्चे एक बार शिव बाबा के घर रोज आना है। और हमने कितने घंटे बजाए होंगे मंदिरों में, जब मंदिर में जाएंगे पहले घंटा बजाएंगे, और कितने घंटे हमने चढ़ाए। एक देवी का नाम घंटा देवी, कई जगह देखते घंटे वहाँ दान कराते हैं बंधे रहेंगे। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे बहुत घंटे चढ़ाए, बहुत घंटे बजाए, अब 24 घंटे में से एक घंटा मेरे लिए निकालो। तो प्रतिदिन हम शिव बाबा के घर बाबा आकर के एक घंटा अपने लिए निकालें तो हमारा जीवन कैसा बन जाए। जिसको जीवन कहा है, जियो वन माने एक के साथ जियो, क्योंकि जितने नाते रिश्ते हम देख रहे हैं वो हमारे सब देह से संबंधित हैं। जब तक आत्मा उसमें बैठी हुई है तब तक हमारे सर्व रिश्ते हैं, और जैसे ही आत्मा निकल जाएगी तो क्या होगा। तो ये नाशवान शरीर है, इसको चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा और उसका पिता परमपिता परमात्मा, जो हमारा सर्व संबंधी है, जो रिश्ता आप उससे जोड़ना चाहें। उसकी महिमा में कहा है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हर रिश्ते से हम उस पिता परमात्मा को याद करें तो वो बंधा हुआ है हमारे सर्व दुखों को छुड़ाने के लिए। तो आज के इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि, तो हिंदी महीने के अनुसार आप देखेंगे अपना नया साल होली से शुरू होता है, उससे थोड़ा सा पहले परमात्मा शिव का अवतरण इस सृष्टि पर होता है, और जिसका गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब इस सृष्टि पर अधर्म पापाचार बढ़ता है तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा यहाँ सदा नहीं रहता है, उसका निश्चित समय है और वर्तमान का अंतिम समय चल रहा है। आप देखें तो हर चीज का बाजार गर्म है, पापाचार दुराचार, लेकिन जीवन में सदाचार नहीं है। आज पूंजीवाद साम्यवाद कितने वाद, लेकिन दिल से आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं। ऐसे समय पर शिवपिता परमात्मा आते हैं और आकर के अपनी प्रॉपर्टी हम बच्चों को देने आया। जैसे वह अविनाशी है तो उसकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है। वह हमें सच्चे सच्चे मन का सुख, सच्चे मन की शांति, आनंद, खुशी, प्यार, पवित्रता, अष्ट शक्तियां सब कुछ देने आया। और भविष्य नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना शिव बाबा हम बच्चों के सहयोग से ही कर रहा है। और शिव बाबा कहते बच्चे केवल थोड़ा सा तुम मुझे मदद दे दो। कभी नहीं सोचा होगा भगवान हमसे मदद मांगेगा, आज हम सब परमात्मा के सहयोगी बन के स्व परिवर्तन करो। केवल अपनी अपनी जिम्मेवारी हम ले लें कि कितना भी परिस्थिति आएगी लेकिन मुझे खुश रहना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर एक चुप रहे गुस्सा ना करे तो अगला क्या करेगा, अपने आप चुप हो जाएगा। कहे हम रोज गुस्सा करते तो कुछ बोलते ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक शांत हुआ तो दूसरा। तो एक एक के दीपक जलाने से, एक एक के परिवर्तन से घर क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और सभी ये धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन करें तो सारी दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। और हम यही चाहते हैं कि फिर से वह राम राज्य आए तो परमात्मा
परमात्मा पिता जो सारे विश्व का बापू जी है, तो वो आकर के सचमुच उस राम राज्य स्वर्णिम दुनिया को लाने वाला है और हम सब बच्चे उसका सहयोगी बने, हमें दूसरों को नहीं देखना।